आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा संकेत देना शुरू कर जाती है, चाहे आपके शरीर में कोई भी एक्सटर्नल चीज़ आ रही है। एक्सटर्नल चीज़ किसी तरह के रोग हो सकते हैं, एक्सटर्नल चीज़ आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि जो आपकी प्रेगनेंसी होती है वो मेल के सेल्स द्वारा ट्रांसफ़र होती है, यानी कि जब तक कि मेल के सेल्स एंटर नहीं होंगे फीमेल बॉडी में तब तक आपकी प्रेगनेंसी नहीं लगेगी। तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी एक्सटर्नल बॉडी अगर आपके शरीर में पहुंचती है तो आपका शरीर संकेत देता है, और ये संकेत इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं जिसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। और ये चीज़ें अगर आपको टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे अगर ज़्यादा दिखने लगती है और आपका पीरियड का डेट भी मिस हो जाता है, तो आपको करीब 4 से 5 दिन के बाद पीरियड टेस्ट किट का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि ये जो सारे चेंजेस आ रहे हैं आपके शरीर में वो आपकी प्रेगनेंसी की निशानी है। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज मैं स्पेसिफिकली आपके यूरिन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस के बारे में बताऊंगी जो कि आपकी प्रेगनेंसी को एकदम बता देता है कि शायद ये प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। और जैसे ही आपका पीरियड का डेट मिस होता है, जब आप कन्फर्म हो जाते हैं, तो ये 100% आपकी प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माई वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत है। तो होता क्या है कि ये सारी चीज़ें आपके मन में तब चलने लगती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं और मन में एक संभावनाएं चल रही हैं कि शायद मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, क्योंकि अगर आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, मतलब 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने, किसी किसी को 1 साल 2 साल का भी समय लग गया, और जब उनको वो वेटेड जो अवेटेड जो होता है, बहुत ही प्रेशियस मोमेंट होता है, अगर उनके लिए होता है तो उनके लिए 1-1 महीना बहुत ही भारी होता है। तो वो ऐसा अंदाजे लगाने लगती हैं कि शायद इस बार इनकी प्रेगनेंसी रुक जाए। तो वो प्रेगनेंसी के कुछ अंदाजे जो आपके यूरिन में भी दिखाई देते हैं। अब यूरिन में चेंजेस इस वजह से आते हैं कि जब भी अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने यूरिन की 2-3 सैंपल की जो बूंदी होती हैं वही आप वहाँ पर डालते हैं, और जिससे कि ये डिटेक्ट होता है कि आपके शरीर में बीटा HCG का लेवल बढ़ गया है। बीटा HCG को डिटेक्ट करने के और भी कई तरीके हैं, जैसे ब्लड स्ट्रीम में भी आपके बीटा HCG आएगा, उससे भी जांचें होती हैं, लेकिन बहुत ही कॉमनली प्रेगनेंसी टेस्ट किट, जो होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही वाइडली इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत ही सस्ते मिलते हैं। तो आप आराम से इसका इस्तेमाल करके एक कन्फर्मेशन मान सकते हैं, एक एक्यूरेसी आ जाती है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो आपके यूरिन के सैंपल में बीटा HCG आती है, और ये जो बीटा HCG जो हार्मोन होती है, ये आपकी प्रेगनेंसी के हार्मोन है, और ये जब प्रेगनेंसी के हार्मोन तभी दौड़ते हैं जब आपके शरीर में प्रेगनेंसी लग जाती है, प्रेगनेंसी के सिम्टम आने लगते हैं, प्रेगनेंसी के हार्मोन दौड़ने लगते हैं, तो पूरा का पूरा असर आपके शरीर में मिलता है। अब नंबर वन चीज़ जो आपके शरीर में आपकी यूरिन के साथ होता है कि आपको यूरिन का कलर पहले से ज़्यादा थोड़ा डार्क लग सकता है। अब होता क्या है कि जो भी आपके नॉर्मल पानी के इंटेक होंगे, तो क्या होता है कि आपका शरीर धीरे धीरे करके ग्लूकोज को बहुत ही जल्दी जल्दी सोखता है, पानी की भी मात्रा को जल्दी जल्दी एब्जॉर्व करता है। तो होता क्या है कि आपको जल्दी जल्दी प्यास लगती है, आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी पानी की नीड हो जाती है, लेकिन जब हम उतने पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, और ऐसे नॉर्मल केसेस में भी अगर आप देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा आप देर देर से अगर आप पानी पीते हैं, तो आपकी यूरिन का कलर डार्क हो जाता है। उसी तरह से अगर बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा वाटर को यूटिलाइज़ कर रही है, क्योंकि आपके अंदर एक शिशु पल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वाटर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसकी यूजेज हो रही है, तो आपके यूरिन का जो कलर है वो डार्क होगा। तो इस बात को आपको नोटिस करना है, और ये कब से नोटिस करना है, क्योंकि इम्प्लांटेशन जब आपके 20वें दिन के बाद से होती है, तो इम्प्लांटेशन के बाद से ही आपके सिम्टम दिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जनरल केसेस में जिस दिन आपका पीरियड का डेट होता है एक्सपेक्टेड, उसके 2-3 दिन पहले से लेके उसके बाद तक भी, यानी 1 हफ्ते के बाद तक भी ये सारी चीज़ें कंटिन्यूड रहती हैं, तो अंदाजे बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब भी अगर आप यूरिन पास करने जाते हैं, तो बहुत ही झागदार आपको वहाँ पर इन्वायरमेंट लग सकता है, आपको लगेगा कि मेरी यूरिन जो है पहले से ज़्यादा फोमी फील हो रही है। फोमी यानी जिस तरह से झाग होती है, अगर मान लीजिए कि नॉर्मल वाटर में अगर आपने एक बूंद अगर कोई भी डिटर्जेंट पाउडर का डाल दिया, और वहाँ पर जिस तरह की झाग होते हैं, बिल्कुल हल्के से झाग, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फोमी लगेगा, लेकिन हाँ कुछ झाग आपको अगर फील होते हैं, तो ये भी आपकी प्रेगनेंसी की निशानी होती है।
वहीं पर अगर बार बार आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है तो ये बहुत बड़ा लक्षण होता है आपकी प्रेगनेंसी का। ये जो थर्ड सिम्टम होती है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन क्या होती है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और लगातार आपके जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है और वाटर का कंजम्पशन हो रहा है, तो जितना ज़्यादा आपकी किडनी वर्क करेगी, फिल्टर करेगी आपके ब्लड को, उतना आपके ब्लैडर जल्दी जल्दी फुल होंगे। और ब्लैडर फुल होना यानी कि आपको अर्जेंसी हो जाएगी कि आपको बाथरूम जाना चाहिए, आपको टॉयलेट जाना चाहिए। तो अगर आपको बार बार आधे घंटे पे मतलब और 45 मिनट पे इस तरह से अगर आपको बार 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 यूरिन फील हो रही है तो ये भी आपकी प्रेगनेंसी के बहुत बड़े संकेत होते हैं। वहीं पर जब अगर आप वॉशरूम पास करते हैं, आपको टॉयलेट वहाँ से आप पास करते हैं तो बहुत ही शार्प स्मेल आपको फील होती है। जनरली ऑब्वियस ही बात है कि यूरिन का जो इस ऑर्डर होगा वो फॉल ही होगा, थोड़ा गंदा ही, शार्प ही होगा, लेकिन एज जैसे ही आप प्रेगनेंसी को कंसीव करते हैं आपकी जो ये स्मेल है बहुत ही तेज़ आती है। इसके दो कारण होते हैं कि आपकी यूरिन में कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ता ही बढ़ता है, वो गाढ़ा होता ही होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो आपकी स्वेलिंग पावर है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस टाइम पर आपके सेंसेस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा नॉजियाटिक फील करते हैं, आपको किसी भी चीज़ की स्मेल बहुत ही जल्दी आती है, तो यूरिन की जो स्मेल है अगर आपको बहुत जल्दी आ रही है और आप इरिटेटेड फील कर रहे हैं तो ये सारे भी लक्षण आप इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं। तो ये जो चारों पॉइंट्स मैंने आपको बताए, अगर आपको प्रेगनेंसी के लक्षणों को आपको उसको कंबाइल करके देखिएगा, सारे के सारे लक्षण आपको प्रेगनेंसी के मिलेंगे और आपका पीरियड डेट मिस हो जाएगा। मिस होने के बाद भी ये सारी चीज़ें कंटिन्यूड रहेंगी। उसके साथ ही साथ अगर आपको सर दर्द है, नॉजियाटिक फील कर रहे हैं, खाने की इच्छा नहीं कर रही है, चिड़चिड़ाहटपन लग रहा है या बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहा है, पेट में ऐठन हो रही है, तमाम तरह की चीज़ें आपकी प्रेगनेंसी को ऐड ऑन करते हैं और ये सारे लक्षण 110% प्रेगनेंसी के हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।